हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज का एक और ब्लॉग। 7:30 के आसपास हो गए और हमने 30 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया। वैसे बेसिकली हम जाने वाले हैं आज किशनगढ़ डंपिंग यार्ड। पूरा वो भाई डेजर्ट जैसा, एकदम पूरा भाई को पता चल ही जाएगा, पता ही हुआ। ये देखो हमारा पबजी का डासिया, ये ओरिजिनल डासिया। चाय पीने के लिए रुके हैं। देखो गरम चाय का कप है, इसको पूरा मैंने पकड़ा हुआ है। इस ट्रक वाले की गलती को इतने सारे लोग भुगत रहे हैं, गला ही लगा पड़ा है, हद होती है। मैं उल्टी साइड लेके खड़ा हुआ है पूरा। ये है डंपिंग यार्ड बोलते हैं इसको। यहाँ पे सालों से कचरा पटका जा रहा है, 100 सालों से यहाँ पे कचरा पटका जा रहा है। मार्बल्स के अंदर जो वो मार्बल को घिसते हैं, फिर उसके अंदर से जो वो निकलता है ना टुकड़ा वगैरह, और उसका जो पाउडर सा निकलता है, उसको यहाँ पे पटका जा रहा है पिछले 100 सालों से। तो इसकी हालत ऐसी हो गई है ना, ये पूरा वाइट डेजर्ट जैसा बन गया है। जहाँ भी देखोगे ना सिर्फ वाइट उस पाउडर के टीले बने हुए हैं, दूर दूर तक सिर्फ टीले ही टीले इस वाइट उसके पाउडर के, ठीक है। और इसके बीच में ये कुछ पानी भी भर रखा है, झील टाइप का, एकदम ब्लू ब्लू पानी रहता है। और लोगों ने देखो सिर्फ मतलब क्या ही बोलते हैं ना कि कुछ भी चीज़ कभी ख़राब नहीं होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ को कभी बेकार मत समझो। एक कचरे का भी भाई टाइम आ सकता है, देख लो ना तुम, इसको कचरा समझ के फेंकते थे लोग, लेकिन इस कचरे का भी टाइम आया और ये भाई साहब टूरिस्ट प्लेस बन गया। यहाँ पे लोग आते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आती है, गानों की शूटिंग तक यहाँ पे होती है भाई। ये पूरा टूरिस्ट प्लेस बना दिया इस जगह। यहाँ पे देख रहे हो मतलब पूरा वाइट है, यहाँ पे एक भी पेड़ पौधा नहीं है, ठीक है, पूरा वाइट है एकदम। कोई पेड़ पौधा यहाँ पे पैदा नहीं हो सकता, लेकिन ये देख रहे हो ये क्रिसमस ट्री है जिसको घर पे उगाए नहीं उगेगा। इस पर इतनी मेहनत लगती है ना इसको उगाने में भाई, लिटरली यार ये उगता नहीं है। मैंने बहुत कोशिश किया हमारे घर पे लगाने के लिए, लेकिन ये उगा नहीं कभी। और यहाँ पे देखो ज़बरदस्ती निकल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इनको किसी ने ला के पटक रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये उग रहा है भाई, ज़बरदस्ती उग रहे हैं। और ये देखो महाशय टीले पे चढ़ के व्यू देख रहे हैं हमारा, हम भी चलते हैं चढ़ के। ये देखो यहाँ पे फुटप्रिंट्स छोड़ जाएंगे हमारे। डंपिंग यार्ड के अंदर दूसरा कचरा भी पटक रखा है लोगों ने। गाइस ये वाली जो सिटी है ना किशनगढ़, ये बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ इसकी यहाँ पे एक बुराई और है कि ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। क्योंकि अब मैं दिखा नहीं सकता, कैमरे के अंदर शायद दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे एक लेयर है पूरी धूल की, मतलब ब्लैक कलर का लेयर है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है ना, ये मार्बल्स का यहाँ पे बहुत सारा काम होता है। तो मार्बल्स का काम मतलब कि अभी शांत हो ना तुम, एकदम कुछ नहीं कुछ मत करो, तो अभी इतना ज़्यादा नॉइस है ना यहाँ पे, इतना ज़्यादा नॉइस है जैसे ऐसा लगता है हमेशा जैसे 10 प्लेन उड़ रहे हो यहाँ से साइड से। ये वो इसलिए क्योंकि मार्बल्स की फैक्ट्रियाँ हैं, तो वहाँ पे काम चलता रहता है दिन भर, और उनसे जो धूल निकलती है मार्बल को घिसते हैं तो वो धूल निकलती है, उसको टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उससे जो धूल निकलती है वो पूरा आकाश में इस तरफ फैली हुई है। तो यहाँ के लोगों को मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन सिटी अच्छी है फिर भी। भाई ये जो चश्मा लगाया है ना, ये लिटरली बता रहा हूँ, ये मैंने फैशन के लिए नहीं लगाया, ये भाई मेरी मजबूरी है इस जगह पे। चश्मा के बिना अगर तुम आ गए ना गलती से, सही बता रहा हूँ, आँखें नहीं खुलने वाली है तुम्हारी। तो ट्राई करना या तो शाम के टाइम आओ या फिर सुबह के टाइम आओ। दोपहर के टाइम पर ये इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है ना भाई, ये वाइट चीज़ अगर मैं आँखें खोल के दिखाऊँ ना अभी, मेरी खुलेगी नहीं खुलती भाई सच में। एक तो सूर्य देवता एकदम ऊपर है हमारे, ऊपर से ये पूरा वाइट है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, पूरा वाइट है ना, क्योंकि जहाँ तक तुम देखोगे ना पूरा ये एरिया वाइट है, तो इसलिए चश्मा लगाया है। वैसे कूल भी लगता है ये चश्मा, 150 रुपये का लिया था आखिरकार, 150 रुपये खर्च किए तो कूल लगना तो बनता है ना। और ये जगह पूरी तरह सुनसान नहीं है, देखो ये टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर थोड़ी साफ़ सफाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है यार। इस जगह को भी मतलब एक कचरे के ढेर में से भी सफाइयाँ हो रही है, और क्या चाहिए तुमको, ये ऑलरेडी खुद डंपिंग यार्ड है, इसमें से भी साफ़ सफाई हो रही है, और साफ़ सफाई करके यहाँ पे सारा कचरा डाल दिया जाता है, फिर यहाँ से जेसीबी ट्रक कुछ भी उठाकर ले जाता है बाहर सिटी के। तो बेसिकली इस जगह को थोड़ा अच्छा बनाया जा रहा है और सुंदर बनाया जा रहा है। देखो वो ये जगह को थोड़ा और चौड़ा किया जाएगा ताकि इसके अंदर पानी भर सके, ताकि टूरिस्ट और ज़्यादा अट्रैक्ट हो। तो
ऐसा है कुछ सीन, और यहाँ पे ब्लॉगिंग चल रही है, आगे भी हम भी ब्लॉग बना रहे हैं। और ये वाली वही जगह है जहाँ पे यस और नो जस्ट मानक का जो गाना था अभी थोड़े दिन पहले ही आया था, वो वाले गाने की शूटिंग हुई थी जस्ट इस जगह पे। वो जो पहाड़ है उसके ऊपर भी वो चढ़ के कुछ तो लाइन बोलता है। सो ऐसा कुछ सीन है इस जगह का। अब आगे चलते हैं हम लोग, शायद अभी अजमेर जाएंगे, और अजमेर जाएंगे तो फिर पुष्कर भी जाएंगे, क्योंकि अजमेर और पुष्कर तो एकदम पास में है। पानी देखो भाई, पता चल रहा है पानी है इसके अंदर, मैं छू के दिखाता हूँ फिर पता चलेगा। ये देखो ये पानी है भाई, कितना साफ पानी है यार एकदम। गूगल मैप पे लिखा हुआ था कि ओपन होगा ये 10:30 बजे, तो यहाँ पे कोई भी नहीं था जब हम लोग आए थे। हम 9:30 बजे आ गए थे, किसी ने रोका नहीं तो हम सीधा घुस गए, लेकिन लोगों ने गूगल मैप की बात मानी और वो 10:30 बजे बाद आने लगे। तो देखो यहाँ पे हम आए थे तब कोई भी नहीं था, और यहाँ पे पूरी क्राउड होने लगी है इस जगह पे, बहुत सारे लोग आने लग गए। तो भाई गूगल मैप हमेशा सही नहीं रहता है, ज्यादा भरोसा मत क्या करो उसके ऊपर। उड़ा मत देना मेरे अंदर यार। जहाँ पे हम लोग गए थे अभी जस्ट, जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, ये इस तरीके से पत्थर आते हैं, उनका यहाँ पे मार्बल बनाया जाता है, और इससे फिर जो भी कचरा बचता है उसको उठा के उस डंप यार्ड में डाल दिया जाता है कचरे से। तो ये चार सौ पर एक महीने के अंदर एक कंपनी यहाँ की एक महीने के अंदर एक ट्रक भी छोड़ दी होगी, तो सोचो 400 सालों से एक एक ट्रक जा रहा है यहाँ से, ये हालत हो गई है इस जगह की। ठीक, तो हम लोग को निकले हुए अभी 5 घंटे हो चुके हैं लगभग, 6 बजे के निकले थे, 7 बजे के निकले थे, और अभी 11 बज चुके हैं, 4 घंटे। हाँ तो 4 घंटे हो चुके हैं, और तो भूख सी लग रही थी तो थोड़ा रुके इस ढाबे के ऊपर, ढाबा पता नहीं क्या नाम है इस ढाबे का, यहाँ पे बैठ के कुछ तो खाएंगे डंपिंग यार्ड से बाहर निकलने के बाद। हाँ भाई डंपिंग यार्ड पे बहुत सारी एनर्जी खर्च हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे हमने मजे किए हैं फुल, इधर उधर ट्रैकिंग वगैरह भी किए हमने, पहाड़ों पे चढ़ रहे थे कचरे के पहाड़े के ऊपर, कचरा मतलब कचरा भी खूबसूरत था। आलू का पराठा खाएंगे इस जगह पे, जिसकी प्राइस है 80 रुपये एक पराठे की, पराठा है 80 रुपये ऐसा कुछ करके कॉस्ट है इसकी, और अच्छा खासी क्वान्टिटी है पर। हाँ लेकिन अच्छा है। हाँ यार भाई सही है, खा के देखते हैं बाकी कैसा लगता है। कैसा लगा? अच्छा है ना। ये बनी ठनी शैली के अंदर सारे पेंटिंग्स बनाई हुई है, ये ब्रिज के ऊपर पूरा अच्छे तरीके से सजाया है इसको, दरगाह सामने की तरफ। वी आर इन अजमेर, और ये है 2.5 दिन का झोपड़ा जिसपे हम जाने वाले हैं अभी। 2.5 दिन का झोपड़ा इसको क्यों बोलते हैं, उसके पीछे की स्टोरी मैं तुमको बताता हूँ अभी ऊपर जाके। रुको जरा, ये ब्लॉक जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये सिर्फ 2.5 दिन के अंदर बनाई गई बिल्डिंग है पूरी। यहाँ पे पहले संस्कृत कॉलेज हुआ करता था, जिसको तोड़ के 2 दिन के अंदर अंदर ये वाली बिल्डिंग बनाई गई है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर जो है, तुम लोग सर्च कर सकते हो इसका पूरा इतिहास। ये देखो ऐसा कुछ सीन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं,
ये देखो ये आधी अधूरी बनी हुई है, बेसिकली पूरी तरीके से नहीं बनी गई है, लेकिन फिर भी भाई ढाई दिन के अंदर इस चीज़ को बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा काम है एकदम, लेकिन किया है उन लोगों ने। पहले वाले लोग पता नहीं भाई कितने पावरफुल थे, कितने सारी मतलब लोग क्या कर लेते थे पता नहीं, ऐसा कुछ सीन है आता। आवर हेरिटेज इज आवर ग्लोरी। कुछ तो उर्दू में लिखा हुआ है लेकिन हमको उर्दू पढ़ना तो आता नहीं है, जिसको आता है वो लोग देख लो क्या लिखा है इसके ऊपर। बीचों बीच आना सागर लेक इसको बोलते हैं, ये मीठे पानी की झील है बेसिकली, अजमेर सिटी इसके चारों तरफ बसी हुई है। और क्या व्यू है भाई इस जगह का, अजमेर भाई बहुत अच्छी सिटी है। ये फोन के अंदर पता नहीं कैसा दिख रहा है लेकिन ये बहुत ही बड़ा है गाइस लिटरली। और जिन लोगों को लगता है राजस्थान के अंदर सिर्फ मरुभूमि है वो लोग देख लो भाई, ये अजमेर है ठीक है, सबसे करीब है जोधपुर के रेगिस्तान के, देख लो भाई। हाँ, और यहाँ पे देख लो किस तरीके से पानी भरा हुआ है, मतलब राजस्थान के अंदर भाई एक भी ऐसी सिटी नहीं है जहाँ पे लेक नहीं होता है, लेक या फिर कोई डैम नहीं होता है, यहाँ पे हर जगह ऐसा पानी भरा रहता है, वो कहीं पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। अनबॉक्स करने वाले हैं ये गुड़िया के बाल, ये देखो 10 रुपए का दिया है यहाँ पे। चलो यहाँ पे हमने गुड़िया के बाल तो खा ही लिए, साथ में चलो ये भी कुल्फी भी खा ही लेते हैं, गर्मी बहुत हो रही है यार, धूप पड़ रही है बहुत। हाँ 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 मजा आ गया भाई, बहुत अच्छी कुल्फी है। कितना खूबसूरत व्यू है, ये महाराणा प्रताप का स्मारक है और इसके नीचे पूरा अजमेर सिटी है, ये एक तरीके से रक्षक की तरह खड़े हुए हैं भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हम कैमरे के अंदर शायद आपको नहीं दिखा पा रहे हैं लेकिन रियलिटी में तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं ब्रह्मा जी के मंदिर पे, जो कि पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर ही एकमात्र है, जो कि हमारे तीर्थराज पुष्कर में है। और ये अभी पूरे टाइम ओपन नहीं रहता है कोरोना की वजह से, ये शाम को नहीं दोपहर को 3 बजे ही खुलता है कुछ देर के लिए, फिर 5 बजे तक खुलता है सिर्फ, उसके बाद बंद कर देता है। ब्रह्मा
ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये है ब्रह्मा का झील, नाम है इसका मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। ये पूरा 52 घाटों का झील है, यहाँ पे 52 घाट है टोटल स्नान करने के लिए। इस तरफ से हर जगह सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ सी बनी हुई है। ये जो जगह है पुष्कर जहाँ पे हम हैं अभी, ये तीर्थों का राजा बोला जाता है इसको। जैसा कि हमने गूगल पे पढ़ा कि इसके बारे में ये पूरा पिंपल्स वगैरह सारे त्वचा के रोग मिटा देते हैं। इस झील से पानी भर कर लेकर आए हैं, इसको हम घर पे काम में लेंगे। ये गंगा जल की तरह एकदम, ये पानी कभी सड़ता नहीं है। एक बार इसको भर लो, ये कभी कहीं सड़ेगा, ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। ये इस झील का पानी है, ठीक है गाइस। तो हम इसका प्रयोग ज़रूर करेंगे फ्यूचर के अंदर। सावित्री देवी का मंदिर है और इस पे पहला रोप वे लगाया गया था पूरे राजस्थान के अंदर। ये पहाड़ के ऊपर स्थित है इस, ये मतलब जो हमारे ब्रह्मा जी थे उनकी पत्नी है, ये तो सबको ही पता है, इसमें बताने वाली जैसी क्या बात। तो ठीक है, इसका किराया है 140 रुपी फॉर वन पर्सन अप और डाउन। हाँ हाँ, आवा जावा दोनों के लिए। क्या क्या बोलते हैं, आवागमन जावागमन क्या बोलते हैं भाई, मुझे नहीं। सो गाइज ये देखो, यहाँ पे ये झील टाइप है और ये बाइक को लेकर हम आ चुके हैं इस जगह पे। और ये पूरा रेगिस्तान है, स्थान को पार करना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए। एक्चुअली यहाँ सारे ऊंट लगे हुए हैं देखो ये, और यहाँ पे रात के टाइम पे म्यूजिक संगीत वगैरह होता है, टेंट लगे हुए हैं नाइट कैंपिंग के लिए। तुम लोग नाइट कैंपिंग भी यहाँ पे कर सकते हो, अलाउड है। एकदम रेगिस्तान टाइप का फील आता है इस जगह पे, ये मिनी रेगिस्तान है एक तरीके से। इसके अंदर हॉर्स क्या बोलते हैं ये, कैमल राइडिंग वगैरह होती है। इसकी प्राइस कुछ ऐसा बोला था 700 रुपये के आसपास, जिसके अंदर बहुत सारा पैकेज बताया था उसने कि राजस्थानी म्यूज़िक वगैरह सुनवा देंगे। इस तरीके से यहाँ पे ये रेगिस्तान के मज़े लेते हुए लोग, फुल इन्जॉयमेंट हो रहा है एकदम। गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने किया है, जयपुर से निकले थे सुबह 7 बजे के आसपास, और उसके बाद हम लोग किशनगढ़ गए डंपिंग यार्ड, वहाँ से निकलने के बाद अजमेर गए। अजमेर में आना सागर लेक तुमको दिखा चुका हूँ मैं। और तो अभी पुष्कर से निकलने के बाद, पुष्कर के अंदर बहुत सारा टाइम हम बिता चुके हैं। मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ और आज की ट्रिप में बहुत मज़ा आया। उम्मीद करते हैं आपको भी मज़ा आया होगा, जितना मज़ा मुझे आया उतना ही तुम लोगों को भी आया होगा।